नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। सक्सेस स्टोरी का टाइम है और आज की जो सक्सेस स्टोरी है पता है किसकी है? इनका नाम इन्होंने मुझे दिया है, प्रथम शरारती बच्चा। यस, इंस्टाग्राम पर शेयर की है इस बच्चे ने मेरे साथ अपनी स्टोरी। चलिए देखते हैं कि प्रथम क्या लिख करके भेजते हैं। इन्होंने लिखा है, हेलो दी, आज मैं आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। आज मेरा CBSE क्लास 12th का रिजल्ट आना था एंड जो मेरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एग्जाम गया था वो जितना अच्छा जाना चाहिए था वो उतना अच्छा नहीं गया था। मेरे टीचर्स भी मुझे बोल रहे थे 85 to 90% तक तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। आज से पहले भी मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर रहा था जिस हिसाब से मेरे एग्जाम गया था। बट आज सुबह से मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहा था और खुद से ही लगातार बोलने लग गया और सोचने भी लग गया कि 95% आएंगे भाई तेरे तो। विजुअलाइज भी करने लग गया उस खुशी को जो 95% पर आने पर होने वाली थी मुझे। साथ में मैंने 108 टाइम्स क्लीम मंत्र का जाप भी किया और दिल से मैं बस रिजल्ट के बारे में ही बोलता रहा और खुश होता रहा। बट किसी वजह से रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो गया तो एक बार मैं स्ट्रेस में भी आ गया तो मैंने फिर एक डीप ब्रीथ करी और ये सोचने लग गया कि 95% ही आएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड दी एक घंटे के बाद मेरे टीचर को कॉल आया और उन्होंने बताया कि 95% आए हैं। एक बार तो मतलब मेरा मुँह शॉक से खुला रह गया। बट सच में 95% आए थे। मैं बहुत खुश हुआ, मेरे और मेरे घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। थैंक यू सो मच। जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख लिया है और यूनिवर्स को भी बहुत बहुत थैंक यू मैं बोलने लग गया हूँ, अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरा प्यार मैं जिसको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो भी मेरी लाइफ में वापस आने वाली है। क्योंकि कुछ पास्ट में प्रॉब्लम्स हो गई थी, अब मैं उसे भी पूरे दिल से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और दी मैं वेट कर रहा हूँ आपको अपनी नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी सुनाने के लिए। थैंक यू दी, आई लव यू दी, प्रथम एक शरारती बच्चा। सीरियसली यही नाम लिखा हुआ है इनकी स्टोरी के नीचे। चलिए, सबसे पहली बात तो ये जो साल रहा है ना स्टूडेंट्स के लिए तो ब्लेसिंग वाला साल रहा है। तो ये जो हमारा प्रथम शरारती बच्चा है ना, इसके लिए भी ये वाला जो साल है ना ये ब्लेसिंग से भरा हुआ है। देखिए क्या हुआ है, एक तो थोड़ी चीजें हो गई हैं, लॉकडाउन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, बट इन्होंने क्या किया, बीच में स्ट्रेस भी आया ना इनकी कहानी में, टेंशन भी हुई है ना, बट इन्होंने ना प्रेजेंट में आकर के, अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको स्टडी नहीं करनी है, पढ़ना नहीं है और बस जस्ट एग्जाम दे करके सोचना है 99% आ जाएंगे। नो, एक्शंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं आपको पढ़ना ही है, सच्चे दिल से पढ़ना है, पूरे फोकस के साथ में पढ़ना है। फोकस के साथ में कैसे स्टडी करना है इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो दिया हुआ है। इनका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया था बट ये अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे क्योंकि ये पहले से ही 85 to 90% सोच रहे थे कि इनका जो है मार्क्स आ जाएंगे। हालांकि उतना अच्छा एग्ज़ाम गया भी नहीं था जैसा कि इन्होंने बताया और इनके टीचर भी इनको बोल रहे थे, यानी कि अच्छे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी। तो प्लीज स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आपने क्लीम मंत्रा का जाप कर लिया, आपने ये कर लिया, मैंने बताया हुआ आप लोगों को ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप किस तरीके से किया जाता है। ये बिल्कुल नहीं है कि आपको स्टडी नहीं करना है, फोकस नहीं करना है और जस्ट एग्जाम देने के लिए चले जाना है तो ऐसा मार्क्स आ जाएगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, ये जो प्रथम बच्चा है ये भी अच्छा खासा पढ़ा है, इसने भी काफी ज्यादा मेहनत करी है, तो आपको भी मेहनत करनी है, बिना मेहनत के कोई फल वल नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एक तरीके का डिस्क्लेमर था जो मैंने डाल दिया है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई सारी बात। अब मैं ये प्रथम के लिए भी कहूंगी और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कहूंगी, अभी फिलहाल ये प्यार वाला टाइम नहीं है, अभी आपका कॉलेज शुरू हो जाएगा, पढ़ाई वाला टाइम है। थोड़ा सा 3 साल और कॉलेज चले जाएं, अच्छे से पढ़ लिख लें, उसके बाद में ये प्यार इश्क मोहब्बत वाली चीज़ों में आए एंड डेफिनेटली एक नहीं ये 10 स्टोरीज अपनी शेयर करेंगे यहाँ पर और हम प्रथम शरारती बच्चा को अगेन एंड अगेन देखने ही वाले हैं। हो सकता है कुछ समय लगे क्योंकि अभी ये स्टूडेंट हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं कहती हूँ, मैं सीधा बोलती हूँ पहले आप अपना एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, उसके बाद में ये प्यार मोहब्बत, यू नो, तब आप थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं, एक जो पार्टनर आपके लिए है, जो आपके लिए सही है, वो आपको समझ में भी आता है, आपका माइंड भी उस तरीके से काम करता है क्योंकि थोड़े से यू नो मैच्योर हो चुके होते हैं। अभी आप छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ अपना टाइम जो इस वक्त आपको पढ़ाई का टाइम मिला हुआ है पढ़ाई ही करें, ये प्यार मोहब्बत ना करें क्योंकि इसके लिए अभी पूरा जीवन पड़ा हुआ है। बट ये पढ़ाई वाला समय निकल गया ना आपका,
तो फिर ये नहीं आएगा वापस। ये समय अभी आपका है, स्टूडेंट लाइफ जीने का है, जिए इसको, इसको भी तो भरपूरता के साथ में जिए, फिर इश्क वाली लाइफ को भी भरपूरता के साथ में जी लेना, ठीक है। अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए। आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज शेयर करके सीरियसली मैं बताऊँ मुझे बहुत मज़ा आता है। आई लव यू ऑल। अपना अपना ख्याल रखिए। बाय।